Very good morning to all of y'all, my dears. And yes, we are going to start with a chapter called as evolution. बच्चों हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और मैंने वहां पर आपको ये भी दिखाया था कि स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटाटास एंड पोटैटो स्वीट पोटैटो रूट था आइपोमिया बटाटास जिसको हम कहते हैं एंड पोटैटो सोलानम ट्यूबरोसम इट वॉज अ स्टेम. नाउ बोथ ऑफ देम वर डूइंग अ सेम फंक्शन बट द ओरिजिन वॉज डिफरेंट राइट. I mean the potato was something called as a stem which was having nodes and internodes and sweet potato does not have nodes and internodes. So yes, the origin of both of them is different. Sweet potato is a root and potato is, I mean the solanum tuberosum ka wo jo structure, that is stem. Now in the same line of argument, ek aur baat samne aati ki similarities in protein and genes. You know, maine yahan pe likha hua hai, similarities in proteins. Now there are different type of organisms. सबके अंदर एक ही टाइप का प्रोटीन यूज होता है राइट. और प्रोटीन यूज होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है राइट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिमिलैरिटीज इन जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्ल्यू टू अ कॉमन एंसेस्ट्री. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. अगर आपके पास नॉस्ट्रिल का दीज आर नॉस्ट्रिल्स ओके सो नॉस्ट्रिल का जीन प्रेजेंट है तो यू कैन सी दिस नॉस्ट्रिल का जीन इन चिंपैंजी ऑल्सो. यू कैन सी दिस नॉस्ट्रिल का जीन इन अ डॉग ऑल्सो. So, क्या ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी एंसेस्ट्री में सेम थे या सिमिलर थे ये चीज भी हमको ये ढूंढने पे मजबूर कर देती है अगर इस तरह के हमको यू नो एविडेंसेस मिले तो. अब बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज. नाउ एज आई टोल्ड कि नाउ चिंपांजी ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ नॉस्ट्रिल इवन वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ नॉस्ट्रिल. So, वो कहीं ना कहीं तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया बेसिकली बायोकेमिकल स्ट्रक्चर भी. फॉर एग्जाम्पल इंटरनल लेवल पे जो है वो डाइजेशन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है बट इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर होता है ट्यूब्स के अंदर राइट. एंड सेम हैपेंस टू द चिंपैंजीज ऑल्सो. तो क्या इस तरीके के एविडेंसेस भी हमारे एंसेस्टर को सेम या सिमिलर करती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू अ सेम shared ancestry as a structural similarity among diverse organism mere bachcho. To aapko ek baat bata dun main ki man has bred a selected plants and you know animals for agriculture horticulture sports right my dear. To ye horticulture sports jo hai na mere bachcho ye sari cheezon se aapko jo hai wo pata chalega ki bahut sare organisms ko humne in sare kamon ke liye humne kya kar diya humne use karna chalu kiya. And this intensive breeding program, they had created created breeds into a breeds, mere bachcho. Not only that, these breeds, they also differ from other breeds. Ab ye matter dekhiye na, ab ye 100 years ke andar, in a mere 100 years ke andar, humne different breed tayar kar li. So, what do you think? Like, is it not possible that nature would have done this same thing over millions of years ago? या मिलियंस ऑफ इयर्स से ये सारे कारनामे जो है वो नेचर नहीं करता होगा. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग. देखिए मैंने यहां पे लिख के भी रखा है प्रॉपरली कि मैन जब ब्रेड कर रहा था आई मीन इट वाज ही वाज ब्रीडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो एनिमल्स फॉर व्हाट. तो सबसे पहला था एग्रीकल्चर तो मैं यहां पे लिख दूंगा एग्रीकल्चर. दूसरा हॉर्टिकल्चर था मेरे बच्चों. तीसरा स्पोर्ट्स था. इन सब कामों के लिए उन्होंने ये काम किया था. नॉट ओनली दैट स्पोर्ट्स बट ऑल्सो समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी के लिए भी ये यूज किया गया था. तो ये वर्ड आपको काम में आना चाहिए. दूसरा डोमेस्टिकेशन भी किया था उन्होंने मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स का माय डियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप ये प्लीज याद रखिएगा. दैट डोमेस्टिकेटेड आई मीन द ह्यूमन बींग्स हैड डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज व्हाट एज वेल एज क्रॉप्स माय डियर. तो जब इन्होंने इतने सारे काम किए तो जो काम ये 100 ईयर्स में कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स तैयार कर लेते हैं प्रोबेबली नेचर ने ये काम मिलियंस ऑफ ईयर्स ईगो में किया होगा राइट. सो एनदर इंटरेस्टिंग एक और ऑब्जर्वेशन हमको देखने के लिए मिलता है यू नो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. मेरे बच्चों नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हमको एक एविडेंस जो है वो दिखना चालू हुआ मेरे बच्चों और ये एविडेंस बहुत ही जबरदस्त था. मैं ये एविडेंस डिस्कस करने की कोशिश करता हूं आपके साथ. बेसिकली ये एविडेंस आपको जो है वो कहां दिखेगा अगर कोई पूछे तो उसको बोलिएगा कि ये एविडेंस मुझे दिखेगा बेसिकली बर्मिंघम इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में आपको दिखेगा और उसको देखने वाले जो साइंटिस्ट थे द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज केटलवेल मेरे बच्चों. सो आपके बुक में एनसीईआरटी में लाइन तो दी नहीं गई है
कि किसने डिस्कवरी की है, बट मैं आपको बता दूं कि द यू नो द डेटा वॉज सपोर्टेड एंड यू नो द रिएक्शन आई मीन द प्रोसेस वॉज बींग डन बाय केटलवेल. सो दिस इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन ना माय डियर. बाय नेचुरल सिलेक्शन इट वॉज बींग सीन इन इंग्लैंड एंड इन अ कलेक्शन ऑफ अ मॉथ ऑफ यू नो वहां पे अलग अलग तरह के मॉथ्स मिले थे. तो एक मॉथ जो था वो था व्हाइट विंग्ड मॉथ और दूसरा था डार्क विंग्ड मॉथ, राइट. और डार्क विंग मॉथ का दूसरा नाम था मेलानाइज्ड मॉथ माय डियर. सो प्लीज आप याद रखिएगा इट वॉज अ मेलानाइज्ड मॉथ. अब दो कलेक्शन हुए. मैं कहना चाहूंगा इन द कलेक्शन ऑफ वॉट 1850 के कलेक्शन को अगर आप देखिए माय डियर 1850s की कलेक्शन अगर आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ मॉथ मेरे बच्चों, तो वहां पे यू नो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. तो मैं लिख दूंगा यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट. इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज नॉट देयर मेरे बच्चों, राइट. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये कहानी है. तो मैं लिख दूंगा यहां पे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इनको क्या मिलता है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इट वॉज बिंग ऑब्जर्व दैट व्हाइट विंग्ड मॉथ ऑन द ट्रीज. तो लिखूंगा मैं यहां पर, जरा ध्यान से सुनिएगा, व्हाइट विंग्ड मॉथ ऑन द ट्रीज. क्या लगता है, वर मोर इन नंबर और लेस इन नंबर? मैं लिखना चाहूंगा वर मोर इन नंबर, बिकॉज ट्री के ऊपर हुआ करता था लाइकेंस माई डियर. और जब ट्री के ऊपर जो है वो लाइकेंस अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों, तो ये लाइकेंस जो है वो बेसिकली व्हाइट कलर के होते थे. और इसके ऊपर अगर ये मॉथ बैठ जाए ऐसे यहां पर, तो ये मॉथ जो है वो कैमोफ्लेग हो जाता था. लेकिन अगर उसी जगह पे अगर आप ऐसे मॉथ के पे ब्लैक कलर वाला, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना. सो ब्लैक कलर वाला अगर आप मॉथ को देखें यहां पे, अभी आप ही इमेजिन कीजिए कि यहां पे अगर देयर इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और यहां पे अगर ब्लैक कलर का मॉथ बैठ जाए, तो ये प्रीडेटरी बर्ड्स जो है वो किसको पकड़ेंगे बेटा? आप सोच के मुझे बताइए कि ये प्रीडेटरी बर्ड्स किसको पकड़ेंगे, ठीक है? दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये प्रीडेटरी बर्ड्स बेसिकली किसको पकड़ लेंगे? ये जो मेलानाइज्ड मॉथ है या डार्क विंग्ड मॉथ है ना मेरे बच्चों, उसको पकड़ लेंगे. सो फिलहाल तो आप ये पॉइंट को याद रखिएगा कि इन 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर उसका हम कलेक्शन देखते हैं, यू नो दे मेक समथिंग कॉल्ड एज कलेक्शन, रखते हैं ऐसे. आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में वो कलेक्टिंग किलिंग और पिनिंग करते हैं, आपको पता होगा म्यूजियम्स के लिए, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में है ना. तो वहां पे से तो इमेजिन कीजिए कि कलेक्शन कर लिया गया चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड. सो यहां पर व्हाइट विंग्ड मॉथ जब 1850s का देखा गया, तो ये पता चला कि व्हाइट विंग्ड मॉथ वर मोर इन नंबर बिकॉज एट दैट टाइम ऑन अ ट्री देर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ अ लाइकेंस एंड लाइकेंस में कैमोफ्लेग हो जाते थे. तो प्रीडेटरी बर्ड्स जो है वो इन पे हमला कर देती थी, क्योंकि ये दिखेंगे ब्लैक कलर वाले तो दिखेंगे, और ये व्हाइट कलर्ड जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है ये आपको दिखेगा नहीं, बेसिकली कैमोफ्लेग हो जाएगा. लेकिन अगर आप कोई कलेक्शन माने 1920 का अगर आप कलेक्शन देखिए, ये भी लिख देता हूं, इन 1920 मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जरा हम इसको मिटा ही देते हैं, अब तो मिटाना ही पड़ेगा इसको, तो ये भी जरा मिटा दूं यहां से मैं. ओके सो अगर आप 1920 का कलेक्शन देखेंगे तो आपको वहां पर बहुत ही अलग चीज देखने के लिए मिलेगी. दिस वॉज केटलवेल्स डिस्कवरी. भाई ये डिस्कवरी हमारा नहीं था, ये डिस्कवरी केटलवेल का था. तो व्हाट केटलवेल डिस्कवर्ड वॉज ग्रेट थिंग. उन्होंने बहुत जबरदस्त चीज बताई, एक तरह का एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का डिस्कशन होगा अभी यहां पर कुछ देर में. सो एट इन 1920 आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो इनको कौन सा मॉथ ज्यादा मिला? इनको मिला डार्क विंग्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डार्क विंग्ड मॉथ और मेलानाइज्ड मॉथ. इट्स वन एंड द सेम नेम, तो आप याद रखेंगे इट्स मेलानाइज्ड मॉथ. सो ये पॉइंट आप याद रखिए कि जब 1850 का हम कलेक्शन करते हैं तो वी गेट व्हाइट विंग्ड मॉथ इन लार्ज नंबर, और जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 का कलेक्शन करते हैं तो व्हाट वी गेट इज समथिंग कॉल्ड एज अ मोर डार्क विंग्ड मॉथ, मतलब डार्क विंग्ड मॉथ का नंबर जो है वो ज्यादा दिखा इनको. क्यों? नाउ व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डिड दिस हैपन? नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऑन द ट्री लार्ज अमाउंट ऑफ सूट जो है वो बहुत ज्यादा जमा हो गया,
एंड व्हेन सूट जमा हो गया तो लाइकेंस नहीं रह सकते मेरे बच्चे, बिकॉज लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये भी शब्द आपको मिलेगा मेरे बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, इट मींस जिस जगह पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर ये लोग नहीं मिलेंगे। और सूट जमा हो जाने के वजह से ये जो डार्क विंग्ड मौत है अब इसमें बैठ गया, देखो आप भी नहीं पता कर पाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो डार्क विंग्ड मौत यहां पर बैठ गया है देखो ऐसे। और इसी जगह पे अगर लाइट विंग्ड मौत बैठ जाए ग्रीन कलर का, ये देखिए यहाँ पे अगर लाइट विंग्ड मौत बैठ जाए तो प्रिडेटरी बर्ड जो है वो लाइट विंग्ड मौत को कैच कर लेंगे। सो व्हाट हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइट विंग्ड मौत का नंबर हो गया डिक्रीज एंड डार्क विंग मौत का नंबर हो गया इंक्रीज, मतलब मेलनाइज्ड मौत का नंबर हो गया इंक्रीज। सो ये डार्क विंग्ड मौत का नंबर क्यों इंक्रीज हो गया, बिकॉज दे कैमोफ्लेग्ड हियर। नाउ व्हाट इज कैमोफ्लेगिंग, दे अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दे वर नॉट विजिबल और दे वर नॉट रिकॉग्निजिबल, मींस वो एकदम सेम टू सेम ट्री के ट्रंक के कलर जैसा ही दिखने लग गए, राइट माय डियर। सो द कलेक्शन विच वॉज कैरिड आउट एज आई टोल्ड यू, यू नो फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920 देर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ इन अ सेम एरिया, सो द प्रोपोर्शन वॉज वॉट रिवर्स्ड मेरे बच्चों, प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स। सो द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट प्रिडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, माई डियर। Now, can you see here a contrasting background? Tree के ऊपर अगर यहां पे imagine कीजिए that this is a tree, imagine कीजिए ऐसे, और यहां पे आपको lichens दिख रहा है, ये देखिए lichens है, ठीक है। अब lichens are basically white in color and moths are also white winged in nature, so they will not be, you know, they will not be having a, you know, contrast background. So during post industrialized period, what happened? The tree trunk became dark due to industrial smoke and soot, the way I told. So under this condition, what happened? The white winged moth did not. जब यहाँ पे soot जमा हो गया, तो white winged moth को कौन लग गया? देखो ऐसा। तो white winged moth का जो है वो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे अभी एक तो पूरा black sooty color और black sooty color जो है वो क्या हो गया? वहाँ पे white winged moth properly दिख जा रहा था। लेकिन यहां पे वाइट विंग मॉथ इसके तरीके में आ गया, मतलब इसके ही कैमुफ्लेक कर लिया यहां पे, तो यहां पे वाइट विंग मॉथ जो है वो, यू नो, दे सर्वाइव्ड हियर बिकॉज प्रीडेटर डिडंट स्पॉटेड देम। लेकिन उसी के भी डार्क विंग मॉथ को और मेलनाइज्ड मॉथ को, यू नो, प्रीडेटर स्पॉटेड एंड ड्यू टू विच द नंबर ऑफ डार्क विंग्ड मॉथ इट गॉट डिक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ व्हाइट विंग्ड मॉथ गॉट इंक्रीज्ड। ये डेटा है 1850s का, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय का, राइट। बट वेन यू कम टू 1920, नाउ हियर व्हाट हैपेंड, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इट वॉज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा यहां पे? लाइट विंग्ड मॉथ, मैंने जैसे बताया था कि सूट और स्मोक पूरा भर चुका है ट्री पे, जिसकी वजह से डार्क विंग्ड मौत को तो वो प्रॉपर एरिया मिल गया कैमोफ्लेगिंग के लिए, बट लाइट विंग्ड मौत को वो एरिया नहीं मिला कैमोफ्लेगिंग के लिए। एंड यू नो व्हाट हैपेंड हियर माय डियर, द बर्ड, द प्रेडेटरी बर्ड, दे स्टार्टेड पिकिंग अप द व्हाइट विंग्ड मौत हियर। अब यहां पे व्हाइट विंग्ड मौत, ये प्लीज याद रखना यहां पे, ठीक है ना मेरे बच्चों? तो ये मैं व्हाइट विंग्ड मौत लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके सो अब आप सोचेंगे सर वो लाइट भी आपने लिखा था, एक्चुअली आपको पता होगा कि कुछ बुक्स में उन्होंने लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ भी लिखा है, तो वो लाइट मेरे दिमाग में रह गया था। तो प्लीज याद रखना कि कभी अगर व्हाइट विंग्ड मॉथ की जगह पे लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ आ जाए ना, तो भी आपका आंसर यही होना चाहिए, इसलिए यहां पर जो है वो मैंने लाइट लिख दिया था। लेकिन याद रखना लाइट कलर्ड विंग्ड मॉथ याद रखना, या लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ याद रखना, या फिर व्हाइट विंग्ड मॉथ तो आपके एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है, तो आप इस बात को याद रखना। नाउ यू नो आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे कोई डेटा बना सकता है, यू नो ये डेटा जब बन रहा था ना, ये कैटलवेल ने जब ये डेटा बनाया ना, तो उन्होंने कुछ रूरल एरिया में, आई मीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय की बात कर रहा हूं,
when there was something called as industrialization going on, अब industrialization तो urban area में होगा, हाँ या ना? लेकिन कुछ rural areas में जब गए इस समय में 1920 के rural areas में गए, तो do you know that white winged moth was more in number? ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ? White winged moth was more in number. And dark winged moth was less in number, my dear. ये भी गजब बात हो गया था. Why? क्योंकि rural area में pollution नहीं था. Pollution नहीं था तो tree के ऊपर lichens present हुआ करते थे. और lichens अगर present है वहां पर, आप ही सोचिए ना, lichens present है तो lichens are basically thick lichens जमा हो गया तो white colored lichens होंगे. तो ये white winged moth जो है वहां पे adjust हो गया, माने camouflaging कर लिया. और डार्क विंग्ड मॉथ वहां पर भी कैमोफ्लेगिंग नहीं कर पा रहा है. मैं ये जो बात कर रहा हूं 1920s की बात कर रहा हूं, जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था, बट हम रूरल एरिया में खड़े हैं, याद रखना माय डियर. सो दिस शोड दैट रूरल एरिया में द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ का जो काउंट था इट वॉज लो. मैं लिख देता हूं यहां पर कि रूरल एरिया में मेलानिक मॉथ का जो ये था वो लो था, और व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर जो इट वॉज हाई. This showed that in a mixed population, those can better adapt. जो adapt कर सकता है, survive and increase in population size. ये बात बहुत important है. अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को adapt कर लेते हैं किसी भी environment में, आप नहीं adapt करेंगे, आप vanish हो जाएंगे. Nature आपको बाहर निकाल देगा. और अगर आप adapt कर लेंगे तो आप जो है वहां रह पाएंगे. So the one who can better adapt, survive and increase in a population size, they can survive. Not only that, मैं आपको बता दूं एक और important point जो मुझे उस NCERT के textbook से लगता है कि no variant, let it be white winged moth or something called as dark winged moth, दोनों के दोनों में से कोई भी completely wipe out नहीं हुआ है. कोई भी कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ. इस पॉइंट को याद रखना मेरे बच्चों, बहुत याद रखना है आपको इस पॉइंट को, ठीक है. अभी ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हैज ओनली रिजल्टेड इन व्हाट, इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज इन मच लेसर टाइम स्केल. मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देता हूं. आप अगर अपने घर में बेगोन यूज करते हैं या फिर हिट यूज करते हैं या फिर आप ऐसा कोई केमिकल यूज करते हैं जिससे आप मॉस्किटोज को मार पाए, हाउस फ्लाइज को मार पाए, तो जब आप हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज पे मारते हैं तो आपको क्या लगता है, आपने 100 हाउस फ्लाइज मार दिए तो उसमें से एक हाउस फ्लाई तो रेजिस्टेंट होगा, और वो रेजिस्टेंट हाउस फ्लाई क्या करेगा, वो ब्रीड करेगा और बहुत सारे रेजिस्टेंट हाउस फ्लाइज को जमा कर लेगा, पैदा कर लेगा. सो दिस इज वॉट मोर यू यूज पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, मोर यू आर हेल्पिंग देम टू द सिलेक्शन फॉर समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टेंट varieties. And this is true for microbes against which applies for antibiotics also. एक जमाने में एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिव हुआ करता था, लेकिन आज वो एंटीबायोटिक इतना इफेक्टिव नहीं होता. That is very much important. Not only वो एंटीबायोटिक, वो ड्रग्स हो गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, everyone has a very good point to adapt themselves. और ये जो एडाप्टेशन में बात कर रहा हूं ना, ये माइक्रोब्स के लिए, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अ सेंचुरीज, इट इज अ मैटर ऑफ अ मंथ और अ ईयर. मतलब आप उनको रेजिस्टेंट सेंचुरीज में नहीं बनाओगे. हमारे में एडाप्टेशन में सेंचुरीज लग गए, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया, लेकिन उनके एडाप्टेशन में टाइम नहीं लगेगा. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. नीट में ये शब्द आ सकता है मेरे बच्चों, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से क्या होगा. दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज व्हाट इट इज, अ डायरेक्टेड, इट इज अ डायरेक्टेड, नो इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमको लगता है इवोल्यूशन जो है वो एक लाइन में चलता है, नो नेवर. कोई भी कैटास्ट्रॉफी हुई, इवोल्यूशन का लाइन चेंज हो जाएगा. So that is what is the point which is given in your book. This anthropogenic action or any of the phenomenon, it tells that evolution is not, it's not a directed process in the sense of determinism. It is, एक word है, stochastic process. अब आप बोलोगे सर ये stochastic process क्या होता है? It is based on a chance event in nature. ये बहुत important point है. Dinosaur got wiped out. It's because of मीटियोर जो है वो गिर गया,
मीटियोर नहीं गिरता तो क्या होता है, डायनासोर द रेप्टिलियन एज चलता, और रेप्टिलियन एज चलता तो मैमेलियन को आगे आने के लिए नहीं मिलता. सो एक मीटियोर यार, यू नो इट्स अ चांस इवेंट इन अ नेचर एंड अ चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म. मैं आपको बता दूं, चांस इवेंट मीटियोर वाला या चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म. अब लोग ऐसा कहते हैं, यू नो ही इज अ फादर ऑफ म्यूटेशन इज समथिंग कॉल्ड एज यूगोडिवरीस. तो वो कहा करते थे कि ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन हो जाए, अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उसमें अगर किसी एक में या बहुत लोगों में म्यूटेशन हो जाए और मैक्सिमम लोग मर जाए और कुछ लोग बचे, तो जो लोग बचे हैं, जो म्यूटेटेड लोग हैं, जो बचे हैं, यू नो दे विल बी सर्वाइविंग एंड दे विल बी मूविंग फॉरवर्ड माय डियर, एंड दे विल बी फॉर्मिंग न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज. Now the next topic which we are going to start is something called as adaptive radiation, my dear. Now what do you mean by adaptive radiation? During this, the Darwin, you know, Darwin was moving in a Galapagos island, mere bachcho. What he observed there? He observed an amazing diversity of creatures. Of a particular interest, you know, he dealt with something called a small, you know, black color ka bird. Ab aapko malum nahi hoga ye small black color ka bird. Isko bolte Darwin finches, my dear. Darwin Finches. And Darwin Finches ko dekhke wo bahut zyada amazed the. Why? He realized that there are varieties of finches in a same, I mean on a same island. On a same island there was a varieties of what? Darwin Finches. Ye chote chote birds hote hain, bahut chote. So all the varieties he conjectured and he thought that, you know, they evolved on the island itself. Ab kamal ki baat hai na, alag alag type ke Darwin Finches hain. Unko dikhe. और उनको यह भी पता चलता है कि डार्विन फिंचेस ना यहीं पर इस छोटे से आइलैंड पे क्या हो गए, दे गॉट यू नो इवोल्यूट, वो अपने आप को इवोल्यूशन में ला दिए, अडॉप्ट हो गए. यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट डार्विन. तो ये डार्विन साहब जो थे, ही वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स, बहुत घुमक्कड़ थे ये, तो बहुत घूमते थे ये, एंड ही ऑब्जर्वड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ व्हाट, समथिंग कॉल्ड एज क्रीचर्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई की. और इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने जो पढ़ाई की, एक क्रीचर था जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट में आ गया, वो था समथिंग कॉल्ड ए स्मॉल ब्लैक बर्ड. और इस स्मॉल ब्लैक बर्ड को बाद में कहा गया समथिंग कॉल्ड एज डार्विन फिंचेस. नाउ दिस डार्विन फिंचेस वॉज द टाइप ऑफ द बर्ड्स हु अमेज्ड मिस्टर डार्विन अलॉट. ही रियलाइज दैट देर वर मेनी वराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड. देखिए, एक ही आइलैंड पे इनको बहुत सारे फिंचेस दिखे, प्लीज याद रखना, ठीक है. सो जब ये बहुत सारे फिंचेस एक ही आइलैंड पे दिखते हैं, तो इनको ये पता चला कि ये सारे के सारे वैरायटी जो है वो इवॉल्व हुए हैं ऑन द सेम आइलैंड इटसेल्फ. सारे के सारे बच्चों, आप प्लीज याद रखना, या अगर आप देखेंगे जितनी भी वैरायटी, सारे के सारे, उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं यार, ये सारे के सारे एक ही जगह पे क्या हुए हैं, दे हैव बीन इवॉल्व. ओके, सो पता चलता है कुछ नई बातें. नाउ सम ऑफ द यू नो डार्विन फिंचेस जो थी वो सीड ईटिंग थी, वो सीड्स खाती थी. तो ये जो ओरिजिनल वाली थी वो तो बेचारी सीड्स खाती थी, और इस सीड खाने वाले से ये देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो फिंचेस फॉर्म हुए, जो अलग अलग एडाप्टेशन दिखाना चालू कर दिए. किसी की बीक लंबी हो गई, किसी की बीक जो है वो इंसेक्ट खाने लायक हो गई, किसी की बीक जो है फिश पकड़ने लायक हो गई. अबे फिश पकड़ने वाला जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं लिखा है, बट इंसेक्टिवरस तो लिखा हुआ है मेरे बच्चों, आप प्लीज याद रखना. नॉट ओनली दैट, यहाँ पर कुछ हो गए वेजिटेरियन फिंचेस और कुछ हो गए समथिंग कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस फिंचेस. अब आपके बुक में दो ही दिया हुआ है. अब अगर आप ये देखिए कि एक सिंगल डार्विन फिंच से, जो ओरिजिनली सीड ईटिंग थी, इसके बीक बदल जाने से ये एक अलग स्पीशीज में कन्वर्ट होने लग गई, अगर ऐसा हुआ तो आप प्लीज याद रखना. अब जब ये अलग स्पीशीज में कन्वर्ट आएगी तो दे विल नॉट इंटरब्रीड. अब वो उनका अलग ग्रुप, इनका अलग ग्रुप, इनका अलग ग्रुप, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप हो जाएगा एक ही आइलैंड पे. माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो जब ये हुआ तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग. अब देखो, सन कैसा लाइट रेडिएट करता है, वैसे ही एक सिंगल स्पीशीज जब अलग अलग स्पीशीज को जो है वो फॉर्म कर लेता है. अब कैसे फॉर्म कर लेता है? बाय द हेल्प ऑफ ज्योग्राफिकल इंपैक्ट, द ज्योग्राफिकल प्रेशर जो आता है, इकोलॉजिकल प्रेशर जो आता है, उसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो
चेंज होना चालू हो जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन जो है वो चालू हो जाती है, माने स्पीशीज की। अगर आप एक लार्ज टर्म में देखें मेरे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड पे ही अडैप्टिव रेडिएशन हुआ है। तो ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि अलग अलग स्पीशीज फॉर्म होना चालू हो गए। सो ये जब रेडिएट करते हैं टू अदर एरियाज ऑफ अ ज्योग्राफिकल हैबिट्स इज कॉल्ड एज व्हाट, अडैप्टिव रेडिएशन। एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डार्विन फिंचेस। एक और एग्जांपल जो है वो मुझे देखने के लिए मिलता है ऑन योर पेज नंबर 133, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब आप जानते होंगे कि हम जो ह्यूमन बींग्स है वो यूथेरियंस है, प्लासेंटल मैमल्स है। ऐसे ही हमारा एक जो है वो साथ में एक और रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्सुपियल मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स कहते हैं। एक और है लेकिन मैं उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, फिलहाल ये दोनों को आमने सामने रखता हूं, द प्लासेंटल मैमल एंड द मार्सुपियल मैमल्स। तो मैं आपको मार्सुपियल मैमल्स के बारे में बताऊंगा तो ये पता चलता है कि इनकी एक एंसेस्ट्रल स्टॉक थी, माने स्टार्टिंग में एक था ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया कि जरा सा डायग्राम के साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि डायग्राम में क्या बताया जाता है। अब आपको पता होगा कि जो मेनलैंड था, पूरा अर्थ में जो मेनलैंड था, उस मेनलैंड से ये देखने के लिए मिला कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो अलग हो गया। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा जगह था जो एकदम अलग हो गया और एक अलग सा स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो प्लासेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल में होते हैं ना मेरे बच्चों, इनके बीच में बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है। तो और प्लासेंटल मैमल्स जो है वो ज्यादा अडेप्टेड है, ब्रेन जोरदार है, तो इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्सुपियल मैमल्स को भगा देते, चबक ऐसा कर देते। तो धीरे 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 जहां पे प्लासेंटल मैमल्स बहुत ज्यादा हुए वहां पे जो है वो मार्सुपियल मैमल्स कम हो गए। लेकिन एक ऐसा जगह मार्सुपियल मैमल्स को मिल गया आगे आने के लिए, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो अगर मौका मिलेगा तो हाउ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन गिव यू अडैप्टिव रेडिएशन माय डियर। ये बहुत जबरदस्त तरीका हुआ। तो ये मान लीजिए पूरा अर्थ और पूरे अर्थ के पैटर्न से यहाँ पे मेनलैंड से जो है वो अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में पता चला कि मार्सुपियल मैमल्स जो थे, तो ये मार्सुपियल मैमल्स जो है वो बहुत सारे रह गए, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है तो ये एक छोटे से मार्सुपियल मैमल से जो है वो रेडिएशन होना चालू हुआ। अब आप बोलोगे सर रेडिएशन क्यों हो गया सर, अभी आप ही सोचिए ना कि फॉर एग्जाम्पल ट्री है, उस ट्री के पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते थे जिसको हम लोग बोलते थे मार्सुपियल मोल। अभी मार्सुपियल मोल की तरह से पैदा हुआ है ये, कोई इसका एक एंसेस्टर होगा और वहां से उसने रेडिएशन दिखाना चालू हुआ किया रहेगा, तो मार्सुपियल मोल आपको यहां पे दिखेगा। तो ये मैं मार्सुपियल मोल आपको दिखा दूं, ये मार्सुपियल मोल अब धीरे 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 चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये बड़े बड़े ट्रीज पे जो है वो मान लो चढ़ गए, लेकिन अब इसको यहां से यहां जा रहा है। अब एक पैटर्न ऑफ जो है वो जबरदस्त तरीके से एक और स्पीशीज का जो है वो यहां पर पैदाइश होती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज शुगर ग्लाइडर। अरे बाप रे, अब शुगर ग्लाइडर क्या कर रहा है। अब आप अगर अपने डायग्राम में देखेंगे पेज नंबर 133 पे, तो मार्सुपियल मोल के बाद वाला एक डायग्राम होगा शुगर ग्लाइडर का। अब इमेजिन कीजिए यहां पर कुछ आपको ऐसा स्किन का लेयर आ जाए और आप उड़ना चालू कर दें, राइट। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे जो प्लेन लैंड्स पे रहने लग गए, वहां पर आपको एक अलग तरीका दिख जाएगा, टैस्मेनियन वुल्फ दिख जाएगा यहाँ पे। अब मैं फुल फॉर्म लिख नहीं रहा यहाँ पे। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे तो कुछ जो है वो उड़ना नहीं चाहते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं भाई हमको वहीं रहना है, और उसने जो है वो जन्म दे दिया कोआला को, राइट। तो अब क्या हो गया, ऐसे ही जो है वो रैट जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग गया, हालांकि वो रैट नहीं है बट रैट जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग गया, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज किया और बन गया बैंडीकूट। तो ये बैंडीकूट बन गया यहाँ पे। बैंडीकूट के बाद जो है वो थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लमजी और ज्यादा थोड़ा हेयर्स के साथ रहने वाला वॉम्बैट बन गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ सच अ लार्ज लैंड, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ निश और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल जो है वो प्लेसेस थे, जिसकी वजह से जिसको जहां मौका मिला वो अपने आप को रेडिएट, माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज फॉर्म करने लग गया, स्पीशीज जो है वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने लग गया। ऐसे ही फॉर्म हुए समथिंग कॉल्ड एज मार्सुपियल रैट, ठीक है।
तो कैन यू जस्ट गिव मी द बुक तो मैं दिखा पाऊं बच्चों को। तो ये रहा मेरे बच्चों, ये पिक्चर रहा यहाँ पे ऐसे। अब आप इस पिक्चर को देख सकते हैं मेरे बच्चों, ये पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पे देखिए, दिस इज अ मार्सुपियल। यहाँ पे मान लीजिए कोई एंसेस्टर है, यहाँ से रेडिएशन देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्सुपियल मोल, और मार्सुपियल मोल जो है वो छोटे से एरिया में रहता होगा, एंड फिर वहां पे आते हैं ट्रीज, तो वहां पर शुगर ग्लाइडर की जरूरत पड़ गई, फिर बाद में जो है वो कुआला की जरूरत पड़ गई, नीचे की तरफ रहने वाले बैंडीकूट की जरूरत पड़ गई, देन केम वॉज वॉम्बैट, सबसे मास्टर तो आपको दिख ही रहा होगा, इट इज कैंगरू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंट ईटर, टाइगर कैट, टास्मेनियन वुल्फ, ये अलग अलग जो है वो आपको ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट माय डियर। तो आप इस चीज को देख के आपको लगेगा कि नहीं, हियर व्हाट हैपेंड वाज समथिंग कॉल्ड एज एडाप्टिव रेडिएशन। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इसके बाद की चीज बच्चों को समझ में नहीं आती कि व्हाई देयर इज अ वर्ड और अ पेज नंबर 133 रिटन एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन यू माय डियर। इस ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो मार्सुपियल मैमल्स का तो रेडिएशन हुआ ही, लेकिन यहाँ पे प्लासेंटल मैमल्स भी थे माय डियर, और इस प्लासेंटल मैमल ने भी क्या किया, रेडिएशन किया। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। यहाँ पे प्लासेंटल मैमल ने भी अपने आप को रेडिएट करने का कोशिश किया माय डियर, एंड सेम आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में ये भी रेडिएट कर रहे हैं। और आपको पता है इसकी वजह से एक भयंकर चीज हुई जिसका नाम था समथिंग कॉल्ड एज कन्वर्जेंट रेडिएशन। अब मैं भी आपको ये दिखाना चाहूंगा, जरा बुक देना तो प्लीज मुझे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सी हियर व्हाट दैट गिवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख के समझ पाएंगे माय डियर। नाउ कैन यू सी हियर दैट दैट गिवन अ प्लासेंटल मैमल एंड दी समथिंग कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। नाउ द प्लासेंटल मैमल, क्योंकि वहां पे आप सेम उस जगह पे देख सकते हैं रेडिएशन दिख रहा होगा आपको, ये प्लासेंटल मैमल का रेडिएशन हुआ। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्सुपियल मोल, आपको दिख रहा होगा, नाउ दिस इज मार्सुपियल मोल। इन द सेम पॉइंट पे आप बुक में देख सकते हैं कि प्लासेंटल मैमल आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पे, नाउ दिस मोल इज अ प्लासेंटल मैमल मेरे बच्चों, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मोल इज अ प्लासेंटल मैमल एंड दिस वन इज मार्सुपियल मोल। नाउ दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन माई डियर, इन दोनों के अडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग है। नाउ दिस इज मार्सुपियल मोल और यहां से होगा प्लासेंटल मोल, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग है, बट आप देख सकते हैं दोनों के फंक्शन सेम हो गए माई डियर, प्लीज ध्यान से देखिए। सो द ओरिजिन इज डिफरेंट बट द फंक्शन इज वॉट सेम। सेम हैपेंड विद समथिंग कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में नंबैट मींस एंट ईटर और प्लासेंटल एंट ईटर, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल माउस, सो दिस इज मार्सुपियल माउस माई डियर, यू नो, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ नॉर्मल माउस। यहाँ पे लीमर, यहाँ पे स्पॉटेड कसकस, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग स्क्विरल, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग फैलेंजर, सो ये एंटायर लाइन इज ऑफ मार्सुपियल्स, टैस्मेनियन टाइगर कैट, टैस्मेनियन वुल्फ, लेकिन आप यहाँ पे वुल्फ को देख सकते हैं। नाउ दिस वुल्फ इज अ प्लासेंटल वुल्फ और ये वाला जो वुल्फ है वो टैस्मेनियन वुल्फ है माय डियर, राइट। सो इससे क्या पता चलता है कि प्लासेंटल मैमल, यू नो, दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, दे एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन, दे शोड अडेप्टिव रेडिएशन, बट क्योंकि इसका और इसका, अब इसका मतलब प्लासेंटल मैमल और इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन मैमल, दोनों के केसेस में आपको यह दिख रहा है कि भाई इसका यहां से अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, इसका यहां से अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म का फंक्शन तो हो गया सेम ये दोनों लोगों का, ड्यू टू विच यहां पर यह कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का फेरा दिखाना चालू हो गया माय डियर। सो प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, यू नो, ऑल्सो एग्जिबिट व्हाट, अडेप्टिव रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं आपको यहां पर, ये वाला। बट व्हाट हैपेंड, सेम प्लासेंटल मैमल जैसा यहां पर दिखा रहा है वैसे मार्सुपियल मैमल्स का भी करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने बोला कि प्लासेंटल वुल्फ देख लीजिए और टैस्मेनियन वुल्फ या फिर मार्सुपियल वुल्फ देख लीजिए। सो इससे क्या पता चलता है माय डियर, मालूम है कि इफ देयर इज व्हाट, इफ देयर इज अ सेम प्लेस एंड टू डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन इज टेकिंग प्लेस, सो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम या फिर मेनी ऑफ देम, जहां पे आपको सेम टाइप का क्या दिखना चालू हो जाएगा, सेम टाइप मैं नहीं कहूंगा, आई मीन फंक्शनली सेम ऑर्गेनिज्म आपको दिखना चालू हो जाएगा मेरे बच्चों।